अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप लोग भी हैरान होंगे कि आज ऐसा मालूम का कोई लोगो शोगो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जी, मैंने आज ये वीडियो एक्चुअली ये तो घर वालों के लिए मैं सैंडविचेस बनाए थे, तो वीडियो भी बना ली, तो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो मैंने डिस्कस ये करना था कि जी आपकी वीडियो वायरल कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी रेसिपी का आपको बता दूँ। मैंने चिकन को बॉयल करके उसको श्रेड कर लिया, यानी मैंने इसको रेशो की फॉर्म में कर लिया है। ये देखिए रेशा करके उसके बाद मैंने उसके अंदर एक कैप्सिकम डाली है, कुकिंग ऑयल एक टेबल स्पून डालकर फ्राइंग पैन में, और मैंने उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मैंने उसके अंदर डाला है जी ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून सोया केचप और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाला है जी चिली सॉस। और उसके बाद मैं थोड़ा सा चीज़ डालूंगी, चीज़ डालकर इसको हल्का सा कुक करना। जब चीज़ मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी क्रीम, यानी हाफ कप से भी कम मैं क्रीम डालूंगी, और उसके बाद बाकी का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। तो ये बड़े सिंपल से चिकन सैंडविचेज़ है जो कि हर कोई बहुत आराम से अपने घर बना लेता है। ये तो मैंने घर वालों के लिए बना रही थी तो सोचा चले आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये मैंने क्रीम भी डाल के अब इसको हल्का सा कुक कर लिया है। फिर ब्रेड लेकर उसके स्लाइसेस को अच्छे तरीके से जो है वो पिन व्हील की हेल्प से उसको मैंने प्रेस कर लिया, और उसके बाद उनके किनारे काट कर थोड़ा सा चिकन एक स्लाइस के ऊपर रख के अच्छे तरीके से, ये देखिए मैंने पिन व्हील से ऐसे इसको प्रेस किया, फिर किनारे काट लेने हैं तो उसके ऊपर रख के, तो एक दूसरा स्लाइस ऊपर रख के, तो उसको एक अंडा फेंट कर उसके अंदर डिप करके ब्रेड क्रम्स लगा के तो मैंने उसको फ्राई करना है। तो ये मैं किस बता रही थी आप लोगों को कि जी लोग कहते हैं जी SOEs लगाएं, जी ये करें वो करें, ऐसे टैग्स लगाएं, ऐसे वो इतने सारे मेथड्स बता रहे होते हैं कि जिस तरह आपकी वीडियो वायरल होगी। तो मेरा ख्याल है आपकी वीडियो जो है अल्लाह ताला की तरफ से भी कोई जैकपॉट लगना होता है। आप मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला मेहनत का फल आपको लाजमी देता है। कोई एक ऐसी वीडियो होती है जो आपकी क्लिक कर जाती है लोगों को, तो आपकी वो वीडियो रातों रात वायरल हो जाती है। ये देखें ऐसे मैं इसको फ्राई कर लिया है, और मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। एक सैंडविच को मैंने ग्रिल भी किया था, लेकिन फ्राइड सैंडविच बहरहाल हम ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बस हल्का हल्का सा इसके ऊपर कलर आ जाए क्योंकि ऑलरेडी एवरीथिंग इज़ कुक्ड। तो फिर मैं आती हूँ दोबारा से अपनी बात की तरफ कि जी मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि जी मतलब ऐसे वायरल होती है वीडियो, वैसे वायरल होती है, ऐसे सब्सक्राइबर्स आते हैं। तो मेरा ख्याल बात वही है कि मेहनत करते जाएं, अपनी हर वीडियो को पहली वीडियो से ज़्यादा बेहतरीन बनाएं, तो आपको व्यूज़ भी अच्छे मिलते हैं, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते जाते हैं। तो अल्लाह ताला आपके लिए, और एक वक्त अल्लाह ताला ने आपके लिए मुकर्रर किया होता है कि जिसमें कामयाबी हमारे कदम चूमती है, तो अल्लाह ताला के काम, अल्लाह ताला की प्लानिंग डेफिनेटली हमसे बहुत बेहतरीन होती है। अल्लाह ताला इज़ द बेस्ट प्लानर, तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए भी डेफिनेटली कोई ना कोई बेस्ट टाइम सोचा हुआ होगा कि जब हमारी भी कोई वीडियो वायरल हो जाएगी। तो मैंने बस ये सैंडविच बनाने थे और थोड़ी सी आपसे गपशप करनी थी। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, बड़ी ईजी सी, छोटी बच्ची भी बना सकती है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, इन्जॉय कीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना खूब ख्याल रखिएगा, हंसते रहो तो बस दे रहो।